भी नहीं। जैसे पहले जी यादव जी ने पूरी जानकारी दी, पटीदार जी ने भी दी और पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत जी ने भी बात कही। आज हमें घबराने की जरूरत नहीं है, वास्तविक में परीक्षा की घड़ी अब है कि कांग्रेस के साथ अब कौन है वही तो देखा जाएगा। तो लोग लालच किए तो सरकार आई ना इधर बदल गए, उधर आई तो उधर चले गए। ऐसे भी लोग अभी कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, गांवों में मार्केट में बात करते हैं, लेकिन उस बात पे हमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। कौन जाता है कौन नहीं जाता है, अरे वो चले गए उधर तो क्या होगा भाई, कांग्रेस खत्म थोड़ी हो जाएगी, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गणेश गोबरा भी कहीं कल कांग्रेस छोड़ के चला जाता है तो कांग्रेस एक समुद्र है, अब सब कांग्रेस के क्या, मेरे से थोड़ी कांग्रेस चलती है, मेरे अकेले की थोड़ी कांग्रेस है, हम सबकी कांग्रेस है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि कांग्रेस को हम मजबूत करें। आज राहुल गांधी जी जो 36 कौम के लिए, जो लोकतंत्र खतरे में है, युवा खतरे में है, किसान खतरे में है, आज महिला खतरे में है, उनको लेकर न्याय यात्रा निकाल रहे पूरे हिंदुस्तान में। आज राहुल गांधी जी की सोच क्या है, विचारधारा क्या है, हम उस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। आज कांग्रेस ने हमको दूध पिलाया, आज कांग्रेस ने हमको कपड़े पहना सिखाया, आज कांग्रेस ने हमें खाना सिखाया, कांग्रेस ने हमें खाट में बैठना सिखाया। आज आज उस माँ को हमारी जरूरत है इस कठिन परिस्थितियों में। आज माँ, उस माँ ने हमको पाला है, माँ ने उसके हमको बड़ा किया है। आज कांग्रेस को हमारी जरूरत है और हम आज इधर उधर भागे लोग लालच के लिए, लेकिन ऊपर वाला भी तुमको माफ नहीं करेगा। कांग्रेस के साथ गद्दारी की है तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूँ भले हमारी सरकार नहीं है, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार नहीं है क्या हुआ, जो काम होते हैं वो होते रहेंगे, सरकारी मशीनरी जो काम करेगी वो काम होते रहेंगे और पूरे जिले में हम डटकर काम करेंगे। भले 84 हो, भले सागवाड़ा हो, भले आसपुर हो, हमारा कार्यकर्ता अगर निराश है और उसकी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो बोगरा जी, यादव जी, पाटीदार जी और हम सब मिलकर, हो सकता है 84 भी आएंगे, सागवाड़ा भी आएंगे और आसपुर भी आएंगे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता हम नहीं लेंगे। जो नियम में आता है उसका एसडीएम से बात करनी पड़े, कलेक्टर से बात करनी पड़े, बीओ से बात करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा कार्यकर्ता निराश नहीं होगा। लेकिन हमें एकजुट होने की जरूरत है और अब हमें जो 6 तारीख को हमारे 22 जोड़ों न्याय यात्रा आ रही है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अब नहीं कि हम 5 गाड़ी ये लगा देंगे, 5 गाड़ी वो लगा देंगे, सबकी जिम्मेदारी है, अपने अपने हिसाब से सब वहां पर पहुंचो। हमारा हो सकता है हम अलग स्वागत करें राहुल जी का, जैसे प्रियंका जी बता रहे थे कि हमारा अलग से होना चाहिए। देखो राहुल जी का एक अलग प्रोटोकॉल है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे डूंगरपुर का अलग भाई मेला जाए। अगर 1,000, 2,000 लोग हो जाए तो ऑटोमेटिक राहुल जी आ जाएंगे हमारे बीच में, इतने लोग हैं, कौन कहां से, तो डूंगरपुर से, तो ऑटोमेटिक मिलना हो जाएगा। लेकिन मिलना हो मिलना नहीं हो, 25 दिन रोज ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, गुलशन भाई भी है, ये रेखा जी भी है, झालावाड़ बॉर्डर से ठेठ हर रोज हम पदयात्रा में रोज शामिल है राहुल जी के साथ, तो धक्का मुक्की कई प्रकार के और रघु जी गिर भी गए उसे, रघु जी गिर गए, उनका हाथी खच्चे हो गया। तो ये रैली है भाई, तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि हमको मिलने तो ये हम कांग्रेस के, लेकिन हमें प्रयास करेंगे हम, लेकिन हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वापस डटकर मुकाबला करना है, बोलना है। जैसे कि आज जो कह रहे हैं बीटीपी वाले, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस, जैसे कैलाश भाई ने अच्छी बात की, बात भी सही है, आज युवाओं में यह है कि आरक्षण बेच दिया, लेकिन आरक्षण बेच दिया या नहीं बेचा, जो 2013 का क्या है भाई, राज्यपाल ने क्या गजट नोटिफिकेशन जारी किया वो आप सबको पता है, लेकिन युवाओं में यह है तो हमें भी तो यह कहना है कि जो बीएसपी के जो दो विधायक थे कांग्रेस ने खेल एक बार आरक्षण बेचा, लेकिन तुमने आरक्षण को 3 बार नहीं बेचा है उन्होंने, 2 बार तो राज्यसभा के वोट थे, उस समय किसने मना किया था तुमको भाई, पहले तुम्हारी मांग मरवाते उसके बाद हम वोट देंगे, क्यों करते। लेकिन
उनको तो मिल गई अटैची, समाज समाज से कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन हमको भी बोलने की जरूरत है। उसमें हो सकता है किसी वापस यदि बीजेपी की सरकार आई उस समय यह था भाई 45-50 ये बराबर चल रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई उसने ये एजेंडा डाल दिया, तो तब से हमारे आरक्षण की व्यवस्था में कुछ विसंगत क्या है, उनको दूर कराता है। वास्तविक में राहुल जी यही मांग कर रहे हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या हो उतना उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, तो सही बात है। तो हम हमारी मांग भी यही है, युवा जो भटक गया युवा को भी आप हम सब मिलकर उनको समझा सकते हैं, लेकिन सबका भला 36 कौम का भला कांग्रेस ही कर सकती है, कांग्रेस के अलावा कोई भला नहीं कर सकती। आज हम विपक्ष में, आज हमारे पास कई मुद्दे हैं, इतने दिन महिला वाले का बीजेपी जो रोज झंडा रोज पीटती थी कि आज दुष्कर्म ये हो गया, आज भजनलाल शर्मा के वहां उसके वो जो जिला है वही दुष्कर्म हो रहा है, भजनलाल शर्मा के सीएम क्या कर रहे हैं बताओ, बस में दुष्कर्म हो रहा है, किसी बालिका को उठा ले गए भरतपुर वो भी उसके साथ भी दुष्कर्म किया, लेकिन ये हम उठा नहीं रहे मुद्दा, हम चुप हैं। क्यों चुप हैं भाई, हमें भी मुद्दा उठाना पड़ेगा। अशोक गहलोत सरकार की क्या योजना थी, क्या क्या योजना इन्होंने बंद कर दी, ये हमें बोलना पड़ेगा। आज राशन की दुकान पर जो खाद्य सामग्री जो फ्री में मिल रही थी बंद कर दी, जो लाइट बिल फ्री था वो चालू हो गया, हॉस्पिटल में दवाइयां फ्री थी, जो ऑपरेशन थे वो भी नहीं मिल रहे, वो तो क्या वो आरटीएचएस वो भी दुकानदारों ने हाथ पीछे कर दिया कि हमको पेमेंट नहीं मिला इसका हमको दवाई नहीं देंगे। तो ऐसी कई योजना बंद हो गई है, तो ये हमारे पास मुद्दे हैं, तो हमें इसका घेराव करना पड़ेगा। हो सके ये लोकसभा चुनाव में किसी को भी टिकट दें, बारी भी बांसवाड़ा की, हमें तन मन से कांग्रेस को जिताना है, ये सीट जितानी है। अगर कांग्रेस रहेगी तो हम सब रहेंगे, अगर और भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये क्या करने वाले देख लो आप, भाई भाई को लड़ाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो हम सब मिलकर 29 तारीख के दिन सभी जो बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी से पूरे जिले में हम नहीं कर सकते, हो सकता है डूंगरपुर विधानसभा से 25 गाड़ी बड़ी हो जाए, सागवाड़ा से कैलाची और मिलकर सबके जिम्मेदारी है 25 गाड़ी वहां हो जाए, कम से कम 100 गाड़ी तो छोटी होनी चाहिए, 100 गाड़ी से कम नहीं होनी चाहिए, 100 गाड़ी तो होनी चाहिए कि हम पूरे मैसेज जाएंगे दे लोगों को कि जनता में ये 6 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए, रैली को सफल बनाने के लिए हम सब मिलकर वहां जहां 100 किलोमीटर दूरी ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को आज उठ खड़े होने की जरूरत है, चुप रहने की जरूरत नहीं है। आज सिटी में लाइट नहीं मिल रही है, शहर में पानी नहीं मिल रहा है, नरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है, 25 दिन कम कर दिए, लोगों के 6-6 मजदूर हो गए, उनका पैसा नहीं मिला है, ये कई मुद्दे। वो जो संगठन का आदमी है उसको टाइम निकालना पड़ेगा, खाली यो नहीं कि टिकट मिलने वाली है 50 लोग चले जाओ अब हमको टिकट चाहिए दे दो, लेकिन जब कांग्रेस की जरूरत है यहाँ पर कांग्रेस कमेटी में जरूरत है, अभी बहाना बना रहे, कोई कह रहा मैं बीमार हो गया, कोई कह रहा ये हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। संगठन मजबूत होना चाहिए, कुछ भी काम छोड़ के भी आप आओ, क्या राहुल गांधी जी के पास नहीं, राहुल गांधी जी फ्री है जो हमारे पूरे देश के लिए फ्री पद यात्रा कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, और हम मीटिंग के लिए खाली एक घंटा नहीं निकाल सकते हैं, किस बात के हम कांग्रेस पार्टी के, इस बात के कहते हो हम कार्यकर्ता है हम ये नहीं करना चाहिए, बोले मैं समय नहीं निकालता हूं पार्टी के लिए तो मुझे भी पार्टी से निकल जाना चाहिए, पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, कि तेरा मेरा वो ढीला वाला गया, जैसे पाटीदार जी ने कहा दोगलापन की नीति छोड़ो, हम कांग्रेस के हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस के सम्मान के साथ, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा के हम साथ है। आज कांग्रेस ने क्या नहीं किया, इतनी सारी योजना हमारे जिले में दे दी, इतने सारे विकास कर दिए, आज भारतीय जनता पार्टी 5 साल में कुछ काम करने वाली नहीं है, खाली नाम बदलने का काम अभी से चालू हो गई है। तो इंदिरा रसोई थी तो क्या कर दिया उसको, अन्नपूर्णा योजना कर दी, जो और वो आयुष्मान मंदिर कर दिए, जो पीएससी गहलोत साहब ने बढ़ाई वो आयुष्मान मंदिर कर दिए, पहले जो
राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाए थे उनका नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया। ये बीजेपी वाले काम करने वाले कुछ नहीं है, खाली नाम बदलने का काम करेंगे। लेकिन हमें कांग्रेस के सिपाहियों, कांग्रेस के दामाद साथियों, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी है भी कुछ नहीं है। आज बीजेपी वाले जो खड़े बांध बांध के नाच रहे थे ना, उनके घर पे आप जाने बंद हो गए। कौन गयो तुमको रोजगार मत चाहो, इनके घर पे जो लोगों को अब लोगों को वो नहीं मिल रहा है, इनके घर फ्री में खा रहो, फ्री में खा रहो, तो या तो काम दो तुम, अमेरिका घर जाओ, और हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, दो तुम हम दो, अब हमारी सरकार नहीं बनी है, अब तुम दो, तुम कह रहे हो ने फ्री का नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भाई बाकी जो हमारे भाषण में कहा कि नहीं सरकार की योजना ये खराब है, फ्री में तुमको आदत पड़ गई है, तो तुम कोई बात नहीं, हम लोग मेहनत करके खाएंगे, लेकिन हमको मजदूरी भी तो दो। तो ये खाली झूठ बोलने वाले, जोर से बोलने वाले, जातिवाद धर्मवाद जाहिर करने वाला नहीं है, इनको समाज की चिंता नहीं है, इनको खाली अपने खुद की चिंता है। क्या क्या समाज के नाम पर दो बार एमएलए बना दिए, दो बार भेज दिए एमएलए विधानसभा में, क्या क्या इन्होंने बताओ, इनकी मांगे थी मरवाई थी तुमने, मनवाते आप तुम्हारी मांगे, लेकिन तुमको तो छुटकेस मिल गई, अटैची मिल गई, तो समाज की पूरी मांगे थी वो सब तुमने खत्म करवा दी। किस नाम की समाज की बात करते हो, क्या उनसे आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण तो तुमने भी बेचा, तीन तीन बार आरक्षण दे दिया इन्होंने। अगर तुमको आरक्षण अस्तित्व में चाहिए था तो पहले कहते हमारी ये मांग पूरी करो, उसके बाद हम तुमको वोट देंगे, खुंजा में कहता हूं। देखो डरने वाला नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से दोखलापणी कर रहे, अरे हमारे समाज में गुमराह कर रहे, जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से जीता है, पूरे समाज में जो माहौल खराब किया है, हमारा युवा आज भटक गया है, युवा शिक्षा से भी दूर चला गया है। आने वाले समय में हमारे बच्चे और पहले पढ़ रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आरएएस की तैयारी कर रहे थे, आज लूटपाट में चले, लूटपाट में शामिल हो गए, बाइक लेके घूम रहे हैं, दारू पीने के पैसे मांग रहे हैं। ये माहौल इन्होंने बीएपी बीएपी करके युवा को गुमराह किया है। जब से बीएपी आई पूरे जिले में पूरे संभाग में अशांति पैदा हुई है, ये हमको बोलना पड़ेगा, लेकिन चुप रहने से काम नहीं चलेगा, हम भी बोलेंगे तो कौन बोलेगा। कांग्रेस ही ये विचारधारा है, अरे जिस स्कूल में तुम पढ़े हो वो कांग्रेस की देन है, अरे जिस रोड पे चल रहे हो वो कांग्रेस की देन है, किसकी देन है बताओ, क्या तुमने अलग से कुछ कर दिया क्या, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया क्या, ये हमें कहना पड़ेगा। लेकिन हम बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं हम तो करते हैं, वो कहना पड़ेगा, बिल्कुल डर के कहना पड़ेगा। आप सब आए उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आपका कभी भी काम पड़ेगा, हम सब एक परिवार के, तेरा मेरा कुछ नहीं, हम खाली कांग्रेस के हैं, आपके निशान पे। और जो जिस तरह से जो खून डाल रहा है, जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसे कांग्रेस में इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे सांसद की सीट कैसे निकाले, पास होने की बारी है। हमारे गांव में, हमारी पंचायत में, हमारे वार्ड में हमें भी बूथ पर रहना पड़ेगा, मजबूत रहना पड़ेगा। लेकिन हम बूथ पे रहते भी नहीं, बूथ पे भी जरूरत है, लेकिन यहाँ सिटी में भी जरूरत है। कई बार आगे कहते हैं भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन आपके बूथ पर आप क्या हो, आपके बूथ पर प्लस हो तो मानेंगे आप नेता हो। अगर मैं मेरे बूथ पर माइनस हूं तो गणेश डोगरा नेता नहीं, मानना भी नहीं मुझे, क्योंकि मेरा बुद्धि प्रश्न नहीं करा सकता हूं मैं, क्या क्या नेता की कर रहा हूं मैं भाई, आपसे नहीं करना चाह रहा हूं। अगर आप नेता बन रहे हो, अपने आप को नेता मान रहे हो, नेता समझ रहे हो, हमारा बूथ प्लस होना चाहिए, पंचायत प्लस होनी चाहिए। और ठान लो कि हम जब तक वापस राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, वापस सरकार राजस्थान में नहीं बनाएंगे, तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। और कई मुद्दे पानी बिजली सब, हम सब वापस ये क्षेत्र के बाद घुमरा जी, यादव जी और पाटीदार जी, पंड्या जी और सभी मिलकर वापस एक ऐसी रणनीति बनाएंगे। हमारे पास चार साल या साढ़े चार साल आंदोलन के अलावा कोई काम नहीं, विपक्ष को घेरना है, कई विपक्षी कमियां, कई योजनाएं बंद कर दी, आज कई घोषणा कर दी, अब कह रहे मोदी गारंटी दे रहा है, वो समझ, अरे मोदी गारंटी 15 लाख तो दे दे पहले, जो गारंटी 15 लाख सबके खाते में वो दे दे पहले, गारंटी की बात तो नहीं, 15 लाख तो आए नहीं, 2 करोड़ नौकरियां आई नहीं, और अब ये भारत विकसित यात्रा करके सब लोगों को बेचारों को फोटो कॉपी करा के लोग परेशान हो गए, सब क्यों पीएम आवास मिल रहा है के वो कागज को रद्दी के टोकरे पड़े हुए हैं, कहा पीएम आवास की किस्त मिली किसी को, क्या बताऊं, अरे जो पहले बाकी किस्त मिली नहीं है,
पहले सोचा था कि भारतीय मुसलमान के पैसे मिले नहीं और लोगों को गुमराह कर रहे।